दोस्तों, जब कभी आप बीमार हो जाते हो तो आप अपने ब्लड का चेकअप जरूर करवाते होंगे, जिससे हमें और डॉक्टर को बीमारी का अंदाजा जल्दी से लग जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्लड को चेक करने से पहले कौन सी मशीन में ले जाया जाता होगा? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज मशीन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज मशीन को बनाने के लिए इसके मेन पार्ट्स मोटर को तैयार किया जाता है। दोस्तों, मोटर को बनाने के लिए तांबे के तारों को क्रॉस टाइप में लपेटा जाता है और इनके अंदर की तरफ छोटी छोटी पन्नियों को लगाया जाता है जो ठोस प्रकार की होती है। अब इन्हें अच्छे से चेकिंग कर एक साइड में इकट्ठा कर लिया जाता है। मोटरों के तैयार हो जाने के बाद अगली प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज मशीन के पार्ट बॉडी को तैयार किया जाता है। सबसे पहली प्रोसेस में इस मशीन का स्केच आर्ट बनाया जाता है। उसके बाद इसी आर्ट की हेल्प से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। फिर इसकी एल्यूमिनियम वाली बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। उसी बॉडी पर प्रेशर से सेंट्रीफ्यूज मशीन का आकार तैयार किया जाता है। अब इन मशीनों की वायरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें टेस्ट कर लिया जाता है और फिर सेलिंग के लिए मार्केट में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्री में बनाई जाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन को। इन एम्पलीफायर को बनाने की स्टार्टिंग सबसे पहले सर्किट बोर्ड से की जाती है। इन सर्किट बोर्ड को सरफेस माउंट टेक्निक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें एक्सियल कंपोनेंट्स और उसके बाद रेडियो कंपोनेंट्स और फाइनली लार्जर सॉकेट पीसीएस को वर्कर्स द्वारा हाथों से लगाया जाता है। दोस्तों, इन एक्सियल कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए रोबोटिक मशीनों का यूज किया जाता है, ताकि सर्किट बोर्ड में कोई स्पार्क ना हो। अब कुछ लार्जर कंपोनेंट जैसे इनपुट जैक, आउटपुट जैक्स, पोटेंशियोमीटर, ट्यूब्स, सॉकेट, स्विचेस सभी को हाथों द्वारा असेंबल कर दिया जाता है। अब इन सर्किट बोर्ड को एक सोल्डरिंग मशीन में से गुजारा जाता है, जो इस पीसीबी में बची सोल्डरिंग की कमी को पूरा कर देती है और इस सर्किट बोर्ड की कंप्लीट जांच भी करती है। अब एक अदर असेंबलिंग लाइन में इन एम्पलीफायर के आउटसाइड कैबिनेट को भी तैयार किया जाता है। कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले वुडन शीट को कट पैनल मशीन में भेजा जाता है, जो मशीन इन कैबिनेट को बनाने के लिए निर्धारित किए गए साइज के आकार में इन वुडन टिप्स को काट देती हैं। अगली प्रोसेसिंग में कुछ वर्कर्स द्वारा इन शीट्स पर ग्लू को असेंबल करके और इन्हें सपोर्ट देने के लिए स्क्रू को पंच करके बाहरी कैबिनेट के कच्चे ढांचे को तैयार कर लिया जाता है। अब इन कैबिनेट को कलरिंग की जाती है और इसी के साथ इनके ऊपर एक विनाइल रबर की परत भी चढ़ाई जाती है, जो इन कैबिनेट्स को मजबूती प्रदान करती है। अब इस एम्पलीफायर के स्टील कैबिनेट यानी सामने वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, जिसके लिए एल्यूमिनियम शीट का यूज किया जाता है। अब इन एल्यूमिनियम शीट्स को पंच प्रेस मशीन में भेजा जाता है, जहां इस पर छेद किए जाते हैं और इन शीट्स को मजबूत बनाने के लिए पाउडर कोटिंग भी की जाती है। अब एक अल्ट्रा लाइट प्रिंटर द्वारा इन शीट्स पर ब्लैक कलर की असेंबलिंग कर दी जाती है और अब सामने वाला पार्ट भी बनकर तैयार है।
अब फाइनली असेंबलिंग एरिया में इस एम्पलीफायर में 10 वैक्यूम ट्यूब्स को असेंबल किया जाता है जो किसी भी वॉइस की गेन और बेस को बढ़ाती हैं। दोस्तों अब इन एम्पलीफायर में चैनल्स यानी वॉल्यूम बटन को भी असेंबल कर दिया जाता है। फाइनली ये एम्पलीफायर अब बनकर तैयार है। दोस्तों इस एम्पलीफायर का यूज अधिकतर गिटार म्यूजिशियन के लिए किया जाता है। अब कुछ एक्सपीरियंस म्यूजिशियन द्वारा इसके एवरी सिंगल फीचर की टेस्टिंग की जाती है। फाइनली टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें पैकिंग कर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं एम्पलीफायर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना।